वीवर्स वैज्ञानिकों को एक ऐसा प्राचीन गेट मिल गया था जो अपने अंदर ब्लैक होल क्रिएट करके दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता था। पर जब कुछ मिलिट्री वाले उसके अंदर जाते हैं तब उन्हें ब्रह्मांड की डरा देने वाली सच्चाई पता चल गई थी। कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब हम इंसान धरती पर रहने लगे थे, यानी कि हम इंसानों का डेवलपमेंट बंदर से आदिवासियों में हो गया था। उसी टाइम पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप अर्थ पर लैंड होता है। वो स्पेसशिप तो पिरामिड जैसा बड़ा दिख रहा था। सारे आदिवासी लोग स्पेसशिप को देखकर यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं, लेकिन एक लड़का भागने के बजाय उस स्पेसशिप के पास चला जा रहा था। तभी स्पेसशिप के अंदर से रोशनी निकलती है जिसने उस आदिवासी लड़के को अपने अंदर खींच लिया था। हजारों साल बीत जाते हैं लेकिन उस स्पेसशिप का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला था। सारे इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े आगे बढ़ गए थे। अब हमें इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स मौजूद थे। उन्हें जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्राचीन स्ट्रक्चर मिलता है जो सालों से यहाँ पर दफन था। सभी लोग उन सारी चीजों को इकट्ठा करने लग गए थे। वहाँ पर लूसी नाम की एक छोटी लड़की भी होती है। लूसी जब उसी रास्ते पर चल रही थी तभी उसे एक प्राचीन लॉकेट मिल जाता है। लूसी ने बिना किसी को बताए गोल्डन लॉकेट को अपने पास रख लिया था। कुछ सालों बाद हमें जॉनी नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में स्पीच दे रहा था। जॉनी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना कि उसे प्राचीन की बहुत सारी भाषाएं मुंह जबानी याद थी। वो प्राचीन भाषाएं बोल भी सकता था और समझ भी सकता था। जॉनी जब अपना सेशन कंप्लीट करके बाहर जाता है तभी उसे रास्ते में लूसी मिल गई थी। ये वही लड़की है जिसे की गोल्डन लॉकेट मिला था। दरअसल लूसी को अपने कंपनी के एक्सपेरिमेंट के लिए जॉनी की जरूरत थी। जॉनी लूसी के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और अब वो दोनों लूसी के लेबोरेटरी में पहुंच गए थे जहां पर वही बड़ा सा प्राचीन स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कि कुछ सालों पहले लोगों ने इजिप्ट में ढूंढा था। लूसी की कंपनी वाले लगातार उस बड़े से स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहे थे जिससे कि वो उसका राज पता कर सके। उस बड़े से पत्थर के ऊपर काफी अजीब तरीके के प्राचीन निशान मौजूद थे और उसी निशान को समझने के लिए लूसी ने जॉनी को बुलाया था। जॉनी पहले तो उन प्राचीन निशानों को देखता है पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जॉनी ने वहाँ पर बैठे एक आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ देख लिया था जिसके पीछे एक तारामंडल का चित्र मौजूद होता है। इस बात से जॉनी सारी चीजें समझ गया था क्योंकि न्यूज़पेपर पे जो तारामंडल मेंशन था वही टाइप का एक निशान उस पत्थर पर भी होता है, यानी कि ये प्राचीन पत्थर गैलेक्सी से कुछ रिलेशन रखता है। और अब थोड़ा रिसर्च करने के बाद जॉनी सभी को ये बता रहा था कि हमारी गैलेक्सी अलग अलग स्टार सिस्टम में बटी हुई है जो एक पॉइंट पर आकर मिलती थी और उस पॉइंट से वो सब कहीं भी जा सकते थे। इसके बाद जॉनी को ये भी पता चलता है कि उन लोगों के पास एक अजीब टाइप की मशीन है जो उसी खुदाई के दौरान मिली थी। इस मशीन का नाम स्टारगेट था जिसके बॉडी के ऊपर अलग अलग प्राचीन निशान बने हुए थे। जॉनी इन सारे निशानों को अच्छे से समझ लेता है और अब उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये सारी चीजें टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड है। जॉनी टेक्निकल टीम से बोलकर उन सारे सिंबल्स को अरेंज करता है और अब एक्टिवेट करने के बाद उस मशीन के अंदर एक वार्म होल क्रिएट हो गया था। लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता कि मशीन के उस पार क्या है। ये पता करने के लिए लूसी के टीम वाले वार्म होल के अंदर एक मशीन को भेजते हैं। मशीन जैसे ही अंदर गई उसका लोकेशन तो यहाँ से गायब ही हो गया था, जिसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये कोई दूसरी ही दुनिया है। उस मशीन के कैमरे की मदद से वो सब ये देख पा रहे थे कि उस दूसरी दुनिया में इसी तरीके का स्टार गेट मौजूद है जिसपे प्राचीन सिंबल्स बने हुए थे। लेकिन वो प्राचीन सिंबल्स यहाँ के स्टार गेट के सिंबल से एकदम अलग होते हैं। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, अगर वो लोग वार्म होल की मदद से दूसरी दुनिया में चले भी गए तो बिना सही सिंबल्स के सीक्वेंस के वो सब अर्थ पर वापस नहीं आ सकते थे। जॉनी बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये कहता है कि वो इसमें मदद कर पाएगा। इसीलिए अब जॉनी मिलिट्री वालों की एक बहुत ही बड़ी टीम के साथ वार्म होल में जाने का डिसाइड कर लेता है। लूसी जॉनी को अपना वही गोल्डन लॉकेट देती है जो उसकी बुरे वर्क पर सुरक्षा करेगा। और अब बिना देरी किए जॉनी मिलिट्री वालों के साथ वार्म होल के अंदर चला जाता है। वो सब देखते ही देखते एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे। दूसरी दुनिया में आने के बाद जॉनी और सारे ऑफिसर्स देखते हैं कि वहाँ पर भी एक स्टार गेट मौजूद था। वो सब जब उस गुफा से बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड्स मौजूद थे, यानी कि वो एक तरह के रेगिस्तान में आ गए होते हैं। स्टार गेट को अच्छे से देखने के बाद जॉनी ऑफिसर्स को ये बताता है कि जिस तरीके के सिंबल्स हमारे अर्थ के स्टार गेट पर मौजूद थे उसे यहाँ पर एक सिंबल मिसिंग दिखाई देता है और अगर उन्हें प्रॉपर प्राचीन सिंबल्स नहीं मिले ना तब वो अपने अर्थ पर नहीं जा सकते थे। जॉनी की ये बातें सुनकर सारे ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सब यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। जॉनी बहुत ही उदास होकर एक कोने में बैठा था।
तभी उसे रेत के ऊपर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जॉनी तो उसे फॉलो करने लगा था। थोड़ी दूर पर जॉनी को एक अजीब टाइप का जानवर दिखाई देता है। ये इस जमाने का पालतू जानवर था जिसे की रस्सी से बांध कर रखा गया था। जॉनी उस जानवर के पास जाकर उसे सहलाने लगता है, पर अब अचानक से वो भयानक जानवर वहाँ से भागने लगा था। उसके गले पर जो रस्सी बंधी थी वो जॉनी के पैर में फंस जाती है, इसीलिए अब वो जानवर जॉनी को भी खींचते हुए लेकर चले जा रहा था। जॉनी को लग रहा होगा कि ये उसका सबसे बेकार दिन है। जॉनी का आवाज सुनकर बाकी सोल्जर्स भी उस जगह पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग प्रेजेंट थे। ये सारे बहुत ही पुराने जमाने के लोग लग रहे होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो सब आदिवासी अपना काम रोककर ऑफिसर्स को देखने लग जाते हैं, लेकिन जब उन आदिवासियों के लीडर ने जॉनी के गले में वो तावीज देखी, तब वो और उसके सारे आदिवासी लोग जॉनी के सामने अपना सर झुका देते हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात थी कि आदिवासी लोग गॉड के सिवा और किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। वो सब जॉनी और बाकी ऑफिसर्स को बड़े सम्मान के साथ अपने कबीले में लेके आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिंबल दिखाया जा रहा था, और ये सिंबल सेम टू सेम जॉनी के लॉकेट पर भी प्रेजेंट होता है। दरअसल ये निशान उन सभी आदिवासियों के डेमी गॉड का था जो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। और जॉनी के तावीज पर वो सिंबल देखने के बाद उन सभी आदिवासियों को लग रहा था कि जॉनी और बाकी सोल्जर्स गॉड द्वारा भेजे गए निर्देशक हैं। उन्हें वहाँ पर एकदम राजकुमार जैसा रखा जा रहा था, साथ ही साथ उन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जॉनी के पास उस कबीले के लीडर की बेटी आ गई थी, जो जॉनी को पता नहीं क्यों रेत पर कुछ निशान बनाकर दिखा रही होती है। वो एक पिरामिड बना रही थी जिसके ऊपर एक सन मौजूद था। हालांकि जॉनी इस बात को समझ नहीं पाता, इसीलिए अब लीडर की बेटी जिसका नाम स्टेफनी था, वो जॉनी को एक रहस्यमय विभाग में लेकर चली जाती है। जॉनी दीवार पर बने सारे सिंबल्स को अच्छे से देखता रहता है। काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद जॉनी अपने साथी सोल्जर्स को ये बता रहा था कि इन सिंबल्स के हिसाब से हजारों सालों पहले एक एलियन अपने प्लैनेट से निकलकर अर्थ पर आ गया था। उसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। उस एलियन ने तो एक लड़के को अपने वश में कर लिया था, और अब वो लोगों को ये कह रहा था कि वो उनका गॉड है। इसीलिए तब के बेचारे लोग वही कर रहे थे जो वो एलियन चाह रहा था। उसी एलियन ने स्टार गेट का इन्वेंशन किया था, जिससे कि वो अर्थ से बहुत सारे लोगों को अपनी दुनिया में लेकर जाता था। उसी ने ही अर्थ पर इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए थे। ये सारी बातें जानने के बाद सबके सामने सच आ गया था। पर अब अगले ही मोमेंट में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप लैंड होता है, जिसमें से कुछ इजिप्शियन एलियन बाहर निकल गए थे, और वो कर्नल और बाकी सोल्जर्स पर हमला करने लग जाते हैं। सभी लोग तो अपनी जान बचाकर लगातार वहाँ से भाग रहे थे, पर वो एलियन जॉनी और कर्नल को अपने साथ पकड़कर स्पेसशिप में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को यहाँ के गॉड के सामने पेश किया गया था, जो और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक एलियन होता है। इस दुनिया के लोग इसे अपना गॉड मानते थे। जब उस एलियन ने अपना चेहरा दिखाया, तब वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। एलियन ने उसके बॉडी पर पूरा कब्जा कर लिया होता है। उस एलियन का नाम रॉ था, और अब रॉ के सिपाही वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ जाते हैं, जो कर्नल ने यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए लाया था। जॉनी को भी कर्नल की ये बात अब जाकर पता चली थी, पर अब कर्नल ने मौका देखकर रॉ के सिपाहियों पर हमला कर दिया था। लेकिन वो सिपाही कर्नल से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। हालांकि उन सारी मुठभेड़ में जॉनी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। रॉ के सिपाही जैसे ही कर्नल को मारने जाते हैं, तभी रॉ ने उन सभी को रोक लिया था। और अब तो रॉ के मन में इंसानों के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत फैल जाती है। उसने अपने बहुत ही एडवांस ड्रोन्स की मदद से अपनी दुनिया में रहने वाले बहुत से मासूम लोगों के ऊपर हमला भी कराना स्टार्ट कर दिया था। वो आदिवासी समझ नहीं पा थे कि उनका गॉड ऐसा क्यों कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है, जो एक अजीब टाइप की मशीन से बाहर निकल रहा था। उस डिवाइस में बैठने की वजह से जॉनी के सारे घाव ठीक हो गए थे। जॉनी के सामने अब रॉ आ गया था, जो जॉनी से कहता है कि तुम्हारे साथियों ने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब से ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब वो स्टार गेट की मदद से ये न्यूक्लियर बॉम्ब अर्थ पर भेज देगा। साथ ही साथ रॉ ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस बॉम्ब पर लगा दी थी, जिससे इस न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट 10 गुना हो चुका था। यानी कि अगर ये बॉम्ब अर्थ पर फट गया ना, तो अर्थ के पूरे चीथड़े उड़ जाएंगे। जॉनी पूछ रहा था कि आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहता है। रॉ ने बताया कि उसने ही अर्थ पर जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन आज के इंसान ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते। पर रॉ जॉनी को एक चांस देता है, अगर वो भरी सभा के सामने अपने सारे दोस्तों को मार देगा, तब वो अर्थ पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भेजेगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अगले दिन जॉनी भरी सभा के सामने आ गया था, और अब रॉ जॉनी को हथियार देता है, जिससे कि वो अपने सारे साथियों को मार दे। जॉनी तो हथियार लेकर अपने साथियों की तरफ बढ़ने लगा था, पर तभी उसे पूरी भीड़ में एक लड़का दिखाई
देता है, जिसने अपने बॉडी के अंदर गन छुपा कर रखी थी। ये सीधा सीधा इशारा था कि वो सारे आदिवासी लोग जॉनी के साथ हैं। पर अगले ही मोमेंट में जॉनी उस हथियार की मदद से अपने साथियों पर नहीं बल्कि रॉ और उसके लोगों पर हमला करने लग जाता है। आदिवासी के सारे लोग भी जॉनी का पूरा सपोर्ट करके रॉ के लोगों पर हमला करने लग गए थे। चारों तरफ एकदम भगदड़ मच जाती है। जॉनी अपने सभी साथियों के साथ एक सेफ जगह पर आकर छुप गया था। इन सारी चीजों की वजह से जॉनी आदिवासियों की नजर में काफी अच्छा बन जाता है। पर अब यहाँ कर्नल के साथी उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो न्यूक्लियर बम यहाँ पर क्यों लेके आया। तब जाकर कर्नल बता रहा था कि अगर इस दुनिया में कोई भी खतरा आएगा तब वो तुम सभी को वापस अर्थ पर भेज कर यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देगा। यानी कि कर्नल का इंटेंशन गलत नहीं होता, वो सिर्फ अपने दोस्तों और अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब जॉनी स्टेफनी के पास चले जाता है। तभी उसे पता चला कि उसकी शादी स्टेफनी के साथ हो गई है। ये सारी चीजें आदिवासियों ने बड़ी अनजाने में कर दी थी, लेकिन जॉनी तो स्टेफनी से रियलिटी में प्यार करने लगा था। स्टेफनी भी कहीं न कहीं जॉनी को पसंद करती थी। और अब जॉनी स्टेफनी की हेल्प लेकर उन प्राचीन निशानों के बारे में खोज करने लगा था जिसकी मदद से वो अपने अर्थ पर वापस जा सकता था। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद जॉनी उन सिंबल्स को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब अगले दिन सारे आदिवासी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उस जगह पर रॉ का एक आदमी आ गया था जो मिनरल्स इकट्ठा करने आया हुआ होता है। तभी कर्नल और उसके साथी सामने आ जाते हैं और रॉ के गार्ड से बिना डरे उसे गोली मार देते हैं। सारे आदिवासी लोग इस बात से एकदम शॉक हो गए थे। पर जब कर्नल उसका मुखौटा हटाता है तब आदिवासियों ने ये देखा कि वो कोई गॉड नहीं बल्कि एक इंसान है। इन सारी चीजों से उन आदिवासियों को ये बात समझ में आ जाती है कि जिस गॉड की वो लोग सालों से पूजा कर रहे थे वो गॉड नहीं बल्कि ढोंगी लोग हैं। जॉनी अपने बाकी साथियों के साथ उसके बॉडी को लेकर पिरामिड के अंदर चला जाता है। पर उन लोगों के ऊपर तो और भी रॉ के गार्ड्स ने हमला कर दिया था। सारे सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कर्नल को ये पता चल गया था कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए वो अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब के पास पहुंच जाता है और जॉनी और बाकी सभी को ये इंडिकेशन देता है कि वो सब स्टार गेट की मदद से अर्थ पर वापस चले जाएं, क्योंकि अब वो खुद यहाँ पर रहकर न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करेगा जिससे कि रॉ का खात्मा हो जाए। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक और गार्ड आ जाता है जिसने कि स्टेफनी पर वार कर दिया था। स्टेफनी तो एकदम मरने की हालत में हो जाती है। जॉनी स्टेफनी को उठाकर वहाँ से तुरंत चला गया था, पर उस रॉ के गार्ड को कर्नल के लोग मार डालते हैं। जॉनी स्टेफनी को लेकर तुरंत उस एडवांस डिवाइस के पास आ गया था जो किसी भी टाइप के घाव को ठीक कर सकती थी। मशीन में थोड़ी देर तक रखने के बाद ही स्टेफनी एकदम से नॉर्मल हो जाती है। पर अब उस जगह पर रॉ आ गया था जिसने जॉनी को मारने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट कर दिया होता है। वहाँ दूसरी तरफ रॉ के स्पेसशिप में से एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके उसका ही एक साथी कर्नल के सामने आ गया था। पर कर्नल बिना उस गार्ड से डरे लड़ाई करता ही रहता है। कर्नल ने कैसे भी करके उस गार्ड को मार दिया था। जॉनी और स्टेफनी भी कैसे भी करके रॉ से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन अब सारे आदिवासी लोग रॉ के खिलाफ हो गए थे, वो तो रॉ के खिलाफ बगावत कर देते हैं। रॉ को जब ये बात पता चली तब वो समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए अब वो स्पेसशिप लेकर दूर कहीं स्पेस में जाने लगा था। कर्नल जब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बंद करने जाता है तब उसे पता चला कि कुछ खराबी होने के कारण न्यूक्लियर बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। लेकिन कर्नल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ चुका था। उसने रॉ की टेलीपोर्टेशन डिवाइस के नीचे वो न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया होता है जो कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला था। रॉ के स्पेसशिप के अंदर जब टेलीपोर्टेशन डिवाइस ऑन होता है तब उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसका कोई आदमी आ रहा है, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद था जो नेक्स्ट ही मोमेंट में पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। रॉ और उसकी स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सारे आदिवासी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। सारा काम अच्छे से होने के बाद कर्नल और बाकी सोल्जर्स वापस टारगेट की मदद से अर्थ पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जॉनी वापस जाना नहीं चाहता था, वो स्टेफनी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगा। जॉनी ने कर्नल को गोल्डन रॉकेट दे दिया था जो लूसी ने आते टाइम जॉनी को दिया था, और अब जॉनी अपने आगे की लाइफ काफी अच्छे से गुजारने लगता है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।